क्या क्या चीज़ आपको खाने के लिए मिल रही है? देखो भाइयों, बिस्किट और ये नमकीन, जितना आप खा सको खाओ भाई पेट भर के। तो हमने ये चाय पानी की जो व्यवस्था है, ठहरने की व्यवस्था है, ये बिल्कुल फ्री करी है। जो गरीब घरों के गरीब परिवारों से बच्चे आते हैं, कोई बड़े टाटा बिड़ला के बैठे तो यहाँ भर्ती देखने आते नहीं, कोई MLA मंत्रियों के बच्चे नहीं आते, यहाँ आते नॉर्मल घरों से। भीम सिंह स्टेडियम के सामने भीड़ चुकी है भाई ये युवा साथियों की, ये आप देख सकते हो, कंबल और रजाई उड़ के आ रहे हैं भाई सारे। तो भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ARO जटकी दादरी की जो अग्निवीर सेना रैली भर्ती हो रही है भीम सिंह स्टेडियम में भिवानी में, उसमें जो है खाने की और रहने की फ्री व्यवस्था की गई है भाइयों, बिल्कुल फ्री। आपको जो है भरपेट, आप जितना आप खाना चाहते हो उतना खा सकते हो, और आप रात को अगर रहना चाहते हो तो आप फ्री में रह सकते हो, बिल्कुल फ्री सुविधा है युवा साथियों के लिए जो अग्निवीर सेना रैली भर्ती देखने के लिए आएंगे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ खाने की और पीने की व्यवस्था, और ये देख लो भाई, ये यहाँ पे आपके रहने के लिए और खाने के लिए फ्री सुविधा है बिल्कुल। ये आप देख सकते हो, महाराजा सूरजमल किसान मजदूर सेवा समिति द्वारा दिनांक 13 नवंबर से 27 नवंबर तक स्थान दिया गया भाई नज़दीक भिवानी पब्लिक स्कूल सेक्टर 13 अग्निवीर भर्ती देखने वाले युवाओं के लिए खाने पीने में रहने की फ्री सेवा भाई बिल्कुल। अगर आप भर्ती देखने के लिए आ रहे हो भाइयों तो आप यहाँ पे फ्री में रह सकते हो, और खाना पीना भी जो आपको फ्री में मिलेगा भाइयों। और अभी मैं आपको जो यहाँ पे जो खाना प्रोवाइड करवा रहे हैं और रहने की व्यवस्था जो आपको फ्री में करवा रहे हैं, अभी मैं आपको उनसे बातचीत कराता हूँ। तो भाइयों एक बार आप ये देख लो, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ भाइयों, आज तारीख हो चुकी है 14 नवंबर, और ये युवा साथियों की यहाँ पर लाइन बनना स्टार्ट हो गई है। ये देख सकते हैं भाइयों, तो अभी चलते हैं भाइयों, क्या क्या चीज़ आपको खाने के लिए मिल रही है? देखो भाइयों, बिस्किट और ये नमकीन, जितना आप खा सको खाओ भाई पेट भर के, कोई रोक टोक नहीं है। और ये देखो भाई मठरी, ये भाई मठरी, और ये देख लो भाइयों नमकीन रखी हुई है यहाँ पे, देख सकते हो आप, और बिस्किट भी रखे हुए हैं, और चाय की भी यहाँ पे सुविधा की गई है। अभी मैं आपको चाय दिखाता हूँ, ये देख सकते हो भाई चाय पी रहा है भाई। सुना दे, नाम बता दे पहले तो। बल्लू, बल्लू कौन से काम था भाई? खाना वाना कैसा लग रहा है? बढ़िया बढ़िया, फ्री सेवा चल रही है आपके लिए, युवा साथियों के लिए, कैसा लग रहा है आपको, कैसा महसूस हो रहा है? कोई सी भर्ती में ऐसा देखने को मिला आपको पहले? पहली भर्ती है। पहली भर्ती है तो भाई की पहली भर्ती है, और मतलब की चाय भाई बढ़िया। ये जो सुविधा यहाँ पे चालू हुई है ये आज से ही स्टार्ट हुई है, ये देख लो आप, चाय भाई यहाँ पे मिल रही है भाई फ्री में, और चाय के कप वप भी यहाँ पे रखे हुए हैं, और बिस्किट नमकीन और मठरी भाई सब कुछ जो है आपको फ्री में, आप जितना खा सको खाओ भाइयों। और ये आप देख सकते हो भाइयों, अंकल जी फ्री सेवा चल रही है, क्या कहना चाहोगे भाई? बहुत बढ़िया काम है, और बहुत बढ़िया काम है ना। ओ ते भाई साहब हैं, तो भाई साहब से पहले नाम पूछेंगे, भाई साहब नाम बता दो। राम राम भाई। राम राम भाई। भाई मेरा नाम है अजीत घणगस, गांव तनाणा, जिला भिवानी। और आज हमने ये पेपर में देखा था अखबार में कि भाई बच्चे परेशान हो रहे हैं, रोड़ा किनारे सोए हैं, कोई खान पीन की व्यवस्था नहीं थी, तो हमने रात को तो कोई दुकान दुकान भी खुली ना मिले, तो हमने 24 घंटे के लिए अपने जो साथियों के साथ मिलकर ये सोचा कि भाई क्यों ना बच्चों की सेवा करी जाए, ये आगे जाके देश की सेवा करेंगे तो कुछ हम भी इनके आगे बढ़ाने में छोटा मोटा अपना सेवा कर सकें तो बहुत अच्छा लगा। तो हमने ये चाय पानी की जो व्यवस्था है, ठहरने की व्यवस्था है, ये बिल्कुल फ्री करी है, और ये मैं अकेला नहीं कर रहा, ये मेरे जो भाईचारा है उनके साथ मिलजुल के कर रहे हैं, और बड़ा अच्छा फील हो रहा है। वो अच्छे अच्छे जो युवा साथी मिल रहे हैं, अच्छे दोस्त मिले हैं, जो बिल्कुल मासूम बच्चे, जो गरीब घरों के गरीब परिवारों से बच्चे आते हैं, कोई बड़े टाटा बिड़ला के बैठे तो यहाँ भर्ती देखने आते नहीं, कोई MLA मंत्रियों के बच्चे नहीं आते, यहाँ आते नॉर्मल घरों से, अगर उनको इस तरह की फैसिलिटी मिल जाए तो उनको बहुत अच्छा लगता है, तो हमारे दिल को एक आत्मा को शांति मिलती है, और हमें बहुत। तो सर ये सेवा, मतलब आप ये बताओ कि ये सेवा कब तक मतलब चलती रहेगी?
ये 13 तारीख से शुरू की है और 24 घंटे उपलब्ध रहेगी और तब जब तक भर्ती रहेगी 27 तारीख तक बताई जा रही है तब तक ये चालू रहेगी यूँ की यूँ। इसमें बढ़ाएंगे घटाएंगे नहीं, मतलब जब तक भर्ती चलती रहेगी जब तक ये सेवा चलती रहेगी। हाँ बिल्कुल भाई। और सर ये चीज़ एक और बताओ कि यहाँ पे जो आप ये चीज़ प्रोवाइड करवा रहे हो ये किस हिसाब से दे रहे हो? पेट वर्क है बिल्कुल, आप देख रहे हो, आप दिखा भी सकते हो अपनी मर्जी से, जो भी युवा साथी है अपनी मर्जी से उठाए और डाले, मतलब कि आपके मन मर्जी से जितना खा सके उतना खा सकते हैं। तो सर ने जैसे कि बताया कि यहाँ पे जो है आप देख सकते हो जितना आपको मन में है आपके जितना उतना खा सकते हो आप। और भाई रहने की भी अभी मैं आपको सुविधा दिखाता हूँ अंदर की तरफ, रहने की आपके लिए व्यवस्था की गई है। तो ये देख सकते हो यहाँ पे भी जो है रहने की व्यवस्था की गई है। भाई आपका नाम बता दो। भाई सन्नी शर्मा। भाई आप यहाँ पे रहे? हाँ भाई। आप यहाँ पे ठहरे थे ना? हाँ भाई। तो आपको ये सुविधा कैसी मतलब लगी? सुविधा बहुत ही अच्छी लगी भाई, इसने करा भाई बहुत अच्छा करा। और भाई ये भाई बहुत अच्छा, बहुत भाई ने सुबह सुबह ट्राई किया आदत है भाई, भाई ये बहुत अच्छा करा, बहुत अच्छा किया भाई। तो भाई जो आने वाले जो युवा साथी है वो यहाँ पे रहने के लिए कोई जगह ढूंढ रहे होंगे तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि वो कहाँ पे ठहरे? भाई यहीं आ जाओ स्टेडियम के पास है, स्टेडियम के पास में। और खाने खाने पीने की आपको व्यवस्था यहाँ पे कैसे लगी भाई? भाई खाने पीने की तो बहुत ही अच्छी लगी भाई, बहुत ही अच्छी लगी। भाई आपका नाम बता दो। अजय शर्मा। कहाँ से आए भाई? नांगल चौधरी। भाई ये बताओ कि यहाँ पे जो व्यवस्था की गई है रहने खाने की फ्री बिल्कुल, वो आपको कैसे लगी? बढ़िया बढ़िया, एक नंबर। जो आने वाले युवा साथी है वो यहाँ पे रुक सकते हैं ना? बढ़िया, एक नंबर से, एक नंबर की जगह है, कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं है ना भाई? तो भाई ये आप देख सकते हो, ये मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, कोई दिक्कत और परेशानी वाले सामना आपको बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा अगर आप यहाँ पे रहते हो। तो आप भाई ये देख सकते हो। नाम बता दे भाई। लोकेश। नाम से भाई। लोकेश कौन से काम था ये भाई? काम ही काम से भाई। आप यहाँ पे रहे हो क्या? मतलब कि आपकी जो ये आप मुफ्त सेवा दी जा रही है खाने और पीने की, ये आपको कैसे लगी? बढ़िया लग रही है भाई, दाव ले रहा हूं चाय पानी। कोई मतलब कि पाबंदी तो नहीं है, मतलब कि इतना इतना क्यों ले रहे हो? चाय ले लो, जितना मन में आओ उतना पियो खाओ, है ना? तो भाई ने बता दी। भाई आपका नाम? राकेश। आपने बिस्किट विस्किट खाए के यहाँ पे जो भाई प्रोवाइड करा रहे हैं? सब खाया है। तो कैसे लगे भाई आपकी व्यवस्था? बढ़िया। जो आने वाले जो युवा साथी है वो खाना वाना अगर घर से नहीं लेके आते हैं तो उनके लिए आप ऐड ही मिल जाओगे फ्री भाई, कोई लाभ भाग झूठ को नहीं, ऐड ही मिल जाओगे फ्री। कोई झूठ नहीं बोल रहा ना बिल्कुल भी ना, ना, मेरा भाई। तो भाई मैंने आपको दो भाई से और बातचीत कराई है, मैं जो आपको ये दिखा रहा हूँ बिल्कुल लाइव रिपोर्ट दिखा रहा हूँ भाईयो, भीम स्टेडियम से जहाँ पर आपकी ARO चरखी दादरी की अग्निवीर सेना रैली भर्ती हो रही है भाईयो। तो भाई आप देख सकते हो, और भी आपको मैं ARO चरखी दादरी जो कि आपकी भर्ती हो रही है भीम स्टेडियम में उसकी आपको लाइव अपडेट देता रहूँगा।